नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत स्टडी विद स्मार्टनेस के साथ। आशा करता हूँ कि आप घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने पर्यावरण के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आपने 15 में से 15 सही कर दीजिए तो आप ये सोचिए आपकी जॉब कन्फर्म है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा फ्रेंड क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊँगा। तो मेरे फ्रेंड्स, दावा है अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको कोई और वीडियो देखने के बाद इन क्वेश्चन के साथ अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चलते क्वेश्चन किस प्रकार हैं वो देखने। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए आवश्यक जैविक विविधता का संरक्षण, निर्धनता को कम करना, प्रदूषण का निरोध नियंत्रण या सभी। तो फ्रेंड्स, सतत विकास बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है इसको, बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है। फ्रेंड, से क्वेश्चन क्या बनता है, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। और सतत विकास के लिए निर्धनता को कम करना ये भी आवश्यक है, प्रदूषण का निरोध नियंत्रण मतलब प्रदूषण पर रोक लगाना ये भी है, जैविक विविधता का संरक्षण ये भी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपने आपका आंसर लगा लिया, करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी करेक्ट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके सामने, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। आपके सामने चार ऑप्शन है, क्लोरीन, आयोडीन, लोहाल, जिंक। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर लगाएंगे जब तक इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। समुद्री शैवाल मतलब सवाल आयोग। अब पतवार। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा आयोडीन से सा से होगा सवाल से हो गया आयोडीन, वाल आयोडीन, सवाल से मतलब आयोडीन। ऐसे आप डीन और ला ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। सवाल यानी सवाल का डीन से संबंध है और आयोडीन खरपतवार, मतलब समुद्री सवाल खरपतवार के लिए इम्पोर्टेंट रहता और आयोडीन के लिए इम्पोर्टेंट रहता। तो आपने आपका आंसर लगा लिया होगा, करेक्ट आंसर समुद्री सवाल का आयोडीन, करेक्ट आंसर सेकंड करेक्ट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु में सर्वाधिक प्रभावित होती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, उद्योग, मछली उद्योग, निर्माण, कृषि। तो फ्रेंड्स, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जलवायु में क्या प्रभावित होता है। तो जैसा कि अपना भारत देश है, क्या है, कृषि प्रधान देश है। जब फ्रेंड्स कृषि प्रधान देश है तो जलवायु से परिवर्तन सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो कृषि करेक्ट आंसर जाएगा, कृषि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। फ्रेंड्स, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। आपके सामने चार ऑप्शन है, वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, जलवायु परिवर्तन, जल प्रदूषण। आपका आंसर लगाएंगे फ्रेंड्स जब तक मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन करेक्ट आंसर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पाँच है फ्रेंड्स, रंगन थिट्टू पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। रंगन थिट्टू पक्षी विहार कहाँ है, आपके सामने ऑप्शन चार हैं, चित्तूर आंध्र प्रदेश, भरतपुर, मैसूर कर्नाटक, गुरुग्राम हरियाणा। तो फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, रंगन मतलब जब कोई रंग में रंग जाता है तो अपने सुर से काम करता है, सुर से काम करता है। फ्रेंड, जब रंग में रंग जाने के बाद सुर से काम करता है तो उसके बाद क्या होता है फ्रेंड, जब सुर से काम करेगा तो एक एक प्रकार का नाटक करेगा, वो नाटक करेगा। जब वो नाटक करेगा तभी सुर से काम होगा, वो सुर से काम होगा तो हर एक प्रकार के रंगों में परिवर्तित हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ट्रिकें पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पक्षियों के स्वर्ग की संख्या किस उद्यान को दी जाती है। आपके सामने चार ऑप्शन फ्रेंड्स, आप बताएंगे, सलीम अली, ओखला, केवला देव या गोविंद पशु विहार। तो फ्रेंड्स, आपने अपन से लगा लिया होगा, करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। तो पक्षियों का स्वर्ग केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स, अब आपके मन में सवाल आएगा केवला देव कहाँ पर है, तो
तो ये राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ पर? भरतपुर में फ्रेंड्स। अब सलीम अली पक्षी, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है फ्रेंड? तो सलीम अली जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। और सलीम अली अगर अभ्यारण पूछेगा फ्रेंड, तो सलीम अली अभ्यारण गोवा में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इस क्वेश्चन नंबर 6 से आपके इतने आंसर करेक्ट होते हैं। किस राज्य को जनवरी 2016 में भारत का जैविक घोषित किया गया था? आपके सामने ऑप्शन 4 हैं, केरल, सिक्किम, उड़ीसा, मेघालय। तो आप कंसर्न लगाएंगे, मैं इनके बारे में ट्रिक से बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। भारत का जैविक मतलब अगर कोई आदमी जैविक खेती करेगा, जैविक खेती करेगा तो उसको क्या मिलेगा? सिक्का मिलेगा। तो जैविक खेती 2016 में भारत का सबसे पहला राज्य कौन था? सिक्किम करेक्ट आंसर जाएगा अपना। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर फ्रेंड्स। कोटोपक्षी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है, कहाँ स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, सिसली में, हवाई में, एंडीज में, रॉकीज में। तो फ्रेंड्स आपने अपन से लगा लिया होगा, करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। तो कोटोपक्षी जागृत ज्वालामुखी, एंडीज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके सामने आ गया, फूल कृष श्रृंखला में आएगा। हाँ फ्रेंड्स श्रृंखला से हर एक एग्जाम में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन बनते रहे हैं, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हर एक शिफ्ट में आएंगे, तो मैं आपको हर एक प्रकार से समझाने जा रहा हूँ। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता या सभी? तो फ्रेंड्स आपका आंसर लगाएंगे तो फ्रेंड्स फूल उत्पादक में आएगा। फ्रेंड्स उत्पादक करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। अब उत्पादक क्यों हो फ्रेंड्स? अब आपके सामने ये है फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट जमीन से वृक्ष लगाए जाते हैं, वो ये इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, बस पानी मिल गया, पानी के बाद डायरेक्टली हो आता है, इसमें लोग किसी को हानि नहीं पहुंचाता, इसलिए उत्पादक की श्रेणी में आता है। घास भी अपने उत्पादक में ही आएगी, तो चलते हो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि छोटी मछली खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत किस उपभोक्ता में आएगी? तो फ्रेंड्स छोटी मछली द्वितीयक उपभोक्ता में आएगी। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा द्वितीयक में क्यों आएगी? तो फ्रेंड्स NCERT क्लास 8th की बुक में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको कि छोटी मछली क्या होती है फ्रेंड्स। छोटी मछली को बड़ी मछलियाँ खा लेती हैं, इसलिए ये द्वितीयक उपभोक्ता में आती है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। पौधे का प्रजनन अंग क्या है फ्रेंड्स? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पौधे का प्रजनन अंग है जड़, पत्तियाँ, तना, फूल। तो फ्रेंड्स आपका आंसर लगा चुके होंगे, पौधे का प्रजनन अंग करेक्ट आंसर, तना करेक्ट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा जानवर अंडे देता है फ्रेंड्स? आपने आपका आंसर लगा लिया होगा, क्या व्हेल है, पेंगुइन है, डॉल्फिन है, कौवा है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, कौन सा जानवर अंडे देता? तो करेक्ट आंसर पेंगुइन करेक्ट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। निम्न में कौन से जीव मनुष्य के घर में रहते हैं फ्रेंड्स? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, छिपकली, चूहा, मकड़ी, सभी। आई होप फ्रेंड्स आपने अपना आंसर लगा दिया, करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, तो मनुष्य के घर में सभी रहते हैं, करेक्ट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा उभयचर है? हाथी, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, पेंगुइन। तो फ्रेंड्स उभयचर का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, उभयचर मतलब जो जल में भी रहने वाला हो और थल में भी रहने वाला हो, तो इसको उभयचर कहा जाता है फ्रेंड्स। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपने आपका आंसर लगा लिया होगा, करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, तो मगरमच्छ करेक्ट आंसर। मगरमच्छ जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। अगर एक और ऑप्शन होता, मेंढक होता, तो फ्रेंड मेंढक भी यहाँ आंसर जा सकता था। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। निम्न में से किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है? आपके सामने ऑप्शन 4 हैं फ्रेंड्स, कौवा, कबूतर, दर्जन, बीवर। आई होप फ्रेंड्स आपने अपना आंसर लगा लिया, करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, तो लालटेन की तरह बीवर पक्षी होता है फ्रेंड्स। बीवर अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते तो आपने देखा होगा कई वृक्ष पर लालटेन की तरह लटकता हुआ घोंसला पाया जाता है, वो बीवर का ही रहता है। अब फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है,
सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है? हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ और इम्पोर्टेंट है इसलिए बार बार बता रहा हूँ फ्रेंड्स। सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला, तो फ्रेंड्स सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला चील बनाएगा, और सबसे नहीं, चील सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता फ्रेंड। सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाएगा चील, सबसे ऊंची डाल पर बनाएगा। अब सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौवा बनाता है, कौवा, कौवा करेक्ट आंसर जाएगा। सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला चील बनाता है, और सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौवा बनाता है, करेक्ट आंसर जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा इसमें डाउट हो गया होगा, एक बार और बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक अगर हुई होगी तो। सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला चील बनाता है, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ये करेक्ट आंसर जाएगा। अब सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौवा बनाता है, सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौवा बनाता है, कौवा करेक्ट आंसर जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी टाइप के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।